नोमेरिकल वन अ सर्कुलर पिज़्ज़ा कट इंटू थ्री इक्वल पार्ट वन पीस ऑफ पिज़्ज़ा इज टेकन आउट एस्टिमेट द डिग्री मैयर ऑफ़ द सिंगल पीस ऑफ पिज़्ज़ा एंड कन्वर्ट द मैयर इंटू रेडियंस वट इज़ द रेडियन मैयर ऑफ़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज़्ज़ा इसको डायग्राम से समझें ये एक पिज़्ज़ा है आपके पास सर्कुलर पिज़ा इसको तीन इक्ल पार्ट्स में कट किया गया है और कहा जा रहा है कि ये जो एक पार्ट है आप इसको मैयर करें डिग्री में फिर रेडियंस निकालें और फिर जो बाकी लोग बच जाते हैं इनका टोटल कितना डिग्री या रेडियंस है बहुत ही आसान है गिवन हमारे पास क्या क्या है हम लोग नोट कर लेते हैं सर्कुलर पिज्ज़ा इन टू थ्री इक्वल पार्ट्स सर्कुलर पिज्ज़ा लिखा है इसने इसलिए है क्योंकि आजकल स्क्वेयर पिज्जा भी आते हैं रेडियंस ऑफ वन पीस कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने रेडियंस में निकालना है और रेडियंस ऑफ रिमेनिंग टू पीसिस यानी कि ये जो एरिया है इसको भी रेडियंस में निकालना है सोलूशन की तरफ आए बहुत आसान सबसे पहले आपने ये देखना है चूँकि सर्कुलर पिज़्ज़ा एक कंप्लीट सर्कल कितना होता है आपका 360 डिग्री या टू पाई रेडियन तो हम लोग इस तरह लिख देते हैं कंप्लीट सर्कुलर पिज़ा थ्री पीसीज की जगह शुरू में हम थ्री पार्ट्स लिख देते हैं कंप्लीट सर्कुलर पिज़ा के थ्री पार्ट्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू टू पाई रेडियन अब हम लोग इसको पीसीज के अंदर जाते हैं और उसके अंदर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि ये एक पीस है हम लोगों ने कितने का निकालना है एक पीस का तो एक पीस के ऊपर अगर आएँ तो इन तीनों जगहों को हम लोग डिवाइड बाय थ्री कर देंगे क्योंकि इक्वलिटी है इक्वलिटी में किसी एक साइड को किसी चीज़ से डिवाइड करें तो बाकी को भी उसी से डिवाइड करना होता है तो अगर इसको डिवाइड बाय थ्री करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन पार्ट या वन पीस इसको डिवाइड बाई थ्री करेंगे थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई थ्री और टू पाई डिवाइड बाय थ्री तो मदीजिए सॉल्व कर लेंगे वन पीस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाय थ्री पॉइंट वन फोर डिवाइड बाय थ्री फर्दर सॉल्व दि कर लेते हैं तो ये हमारा पहला आंसर आ जाता है वन पीस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू टू पॉइंट जीरो नाइन रेडियन तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वन ट्वेंटी डिग्री और टू पॉइंट जीरो नाइन रेडियन अब बात आ गई बाकी के हिस्से की कि बाकी के दो हिस्से कितने हैं तो अगर हमें एक हिस्से का पता लग गया और हमें दो का निकालना है तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे और वही चीज़ की जब इक्वेशन के किसी एक साइड पे टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबको टू से मल्टीप्लाई तो करना है तो करते हैं रिमेनिंग टू पीसीस का अगर करना है तो टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी डिग्री इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट जीरो नाइन रेडियन सॉल्व कर लेते हैं तो टू पीसीज इज इक्वल टू टू फोर्टी डिग्री इज इक्वल टू फोर पॉइंट वन नाइन रेडियन ये हमारे दूसरे हिस्से का आंसर निकला है टू फोर्टी डिग्री और टू पॉइंट फोर पॉइंट वन नाइन रेडियन न्यूमेरिकल टू द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज वन पॉइंट फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन इन टू अकाउंट एज इज़ नाइन पॉइंट एट प्लस माइनस पॉइंट वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी ये एक टाइम पीरियड है इसकी हमें ये लेंथ गिवन है अलोंग विद अनसर्टेनिटी इसी तरह से ड्यू टू ग्रेविटी है हमें गिवन है नाइन पॉइंट एट विद अनसर्टेनिटी तो जब दोनों चीज़ें अनसर्टेनिटी में तो हमने जो टाइम पीरियड मालूम करना है टाइम पीरियड होता है यहाँ से यहाँ तक जाना और वापस आना है एक साइकिल पूरा करना, तो करना है तो वो टाइम पीरियड में करना है तो गिवन हमें पे क्या है लेंथ ऑफ द पेंडुलम विद अनसर्टेनिटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद अनसर्टेनिटी और टाइम पीरियड मालूम करना है तो वो भी अनसर्टेनिटी के साथ मालूम करेंगे शुरू करते हैं सोल्यूशन सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड इक्वल टू पाई स्क्वेयेर रूट एलोअर जी कंप्यूटर में जब भी स्क्र रूट डालते हैं वो नॉर्मली इस तरह का दे देते हैं ज़्यादा इसको आपने यूँ समझना है एलोवर जी के ऊपर पूरा है और स्क्वेयर uh, रूट uh, की वैल्यू होती है वन बाय टू ठीक है स्क्वेयर रूट होती है पावर वन बाय टू नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं हम लोग लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं 1.5 पॉइंट फाइव प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन जो कि गिवन थी और जी की वैल्यू डाल देते हैं जो कि गिवन थी 9.8 पॉइंट एट प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन होल रिस्टवार वन बाई टू मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और पावर में आपने याद रखना है जब भी कभी इसको सॉल्व करना होता है अनसर्टेनिटीज को तो फिर क्या करना होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसका तरीका क्या है ये तो एज इट इज़ लिख लेते हैं प्लस माइनस भी एज इट इज़ इसको करना होता है पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड परसेंट इसी तरह नीचे वाली अनसर्टेनिटी की मुझे बाई हंड्रेड परसेंट नेक्स्ट चलते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टू पाई जब इसको सॉल्व किया तो वन पॉइंट फाइव और नाइन पॉइंट एट तो एज इट इज रहे पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड हो गया और ये नीचे पॉइंट वन डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड्रेड्रेड ये कैलकुलेटर से करेंगे तो वन पॉइंट जीरो टू आ जाएगा और परसेंटेज एज इट इज रख लेंगे होल रिस्ट हुआ वन बाई टू नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें आपको याद होना चाहिए कि जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन या डिवीज़न करनी हो तो उसको एज इट इज़ किया जाता है फ़ॉर मेन वैल्यू ठीक है तो डिवाइड हम लोगों ने यहाँ पे करना है वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई नाइन पॉइंट एट डायरेक्टली कर लेंगे और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं अनसर्टेनिटीज़ को मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न में क्या किया जाता है परसेंटेज के अंदर प्लस किया जाता है तो इसको आगे सॉल्व करेंगे 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइड बाई नाइन से कैलकुलेटर करेंगे तो आ जाएगा 0.153 और 0.66 और 1.02 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाता है 1.68 परसेंट होल रेस वार वन बाई टू अब हम लोगों ने ये देखें कि ये पावर वाला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन होती है डिवीज़न होती है और ये पावर वाला क्वेश्चन है पावर वाले क्वेश्चन में जब पावर को ओपन करते हैं तो इसके लिए जो असल वैल्यू है उसके लिए तो वो पावर के तौर पे ही बिहेव करता है जो दूसरी अनसर्टेनिटी होती है उससे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाता है अभी इसको करके दिखाता हूँ पॉइंट वन फाइव थी होल रिस्वा पावर वन बाय टू यानी ये तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसके लिए तो ये पावर तो के तौर पर ही एक्ट करेगा लेकिन जो अनसर्टेनिटी वैल्यू है उसमें आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है जिस तरह ये वन बाई टू इंटू वन पॉइंट सिक्स एट परसेंट अब नेक्स्ट स्टेप में इस को कैलकुलेटर से आपने जब किया वन पॉइंट वन फाइव थ्री होल्ड पर वन बाई टू तो वो आपको आंसर दे देगा पॉइंट थ्री नाइन वन वन और वन बाई टू से वन पॉइंट सिक्स एट को मल्टीप्लाई किया तो सामने नज़र आ रहा है पॉइंट एट फोर परसेंट आंसर है फर्दर सॉल्व करेंगे टू पाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट थ्री नाइन वन वन तो आंसर आ गया पॉइंट फोर फाइव टू पॉइंट फोर फाइव और पॉइंट एट फोर परसेंट एज इट इज़ अपनी शॉर्ट फॉर्म में मौजूद था अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज़ इक्वल टू टू पॉइंट फाइव क्योंकि पॉइंट फोर के बाद अगला जो डि, डि, डिजिट था वो फाइव था फाइव या फाइव से बड़ा हो तो इसको राउंड ऑफ करके इंक्रीज कर देते हैं पॉइंट टू पॉइंट फाइव सेकेंड और प्लस माइनस पॉइंट एट फोर ये देखें फोर फाइव से छोटा है तो इसको पॉइंट एट परसेंट कर देंगे और यही हमारा आंसर है नोमरिकल थ्री Determine the area of rectangular sheet with length L plus minus delta L is equal to 1.5 plus minus 0.02 meter. यानी कि विद अनसर्टेनिटी दी गई है एंड वेड्थ कितनी है पॉइंट टू प्लस माइनस पॉइंट जीरो वन मीटर इसमें भी अनसर्टरिटी दी गई है कैलकुलेट करना है एरिया ए प्लस माइनस डेल्टा ए यानी एरिया भी विद अनसर्टेनिटी मालूम करना है तो जहन में तस्वीर लेकर आएँ कि इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शीट है उसकी ये साइड लेंथ है और ये साइड जो है इसकी विड्थ है दोनों अनसर्टेनिटीज़ के साथ हैं हमें एरिया मालूम करना है उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ तो गिवन हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं क्या है लेंथ विद अनसर्टेनिटी गिवन है और विथ्थ विद अनसर्टेनिटी गिवन है और फाइंड करना है हम लोगों ने एरिया विद अनसर्टेनिटी सोलूशन की तरफ आते हैं सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ फिर इसको अनसर्टेनिटीज़ के साथ लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू एल प्लस माइनस डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू अब इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं जो हमें लेंथ और विड्थ की मालूम है उनको पुट इन कर दिया अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अनसर्टेनिटीज को क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर में ये डायरेक्टली ऐड या नहीं हो सकती ठीक है तो इनको पहले हम लोगों ने परसेंटेज कन्वर्ट करना है उसका तरीका क्या है कि अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल फिगर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट तो ये तो एज इट इज रही जो राइट साइड अनसर्टेनिटी थी दैट डिवाइडेड बाई एक्चुअल फिगर यानी पॉइंट जीरो टू डि बाई वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट इसी तरह विट्स वाले को भी हम लोगों ने करना है पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाई पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट जबकि मेन वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है और अब इसको सॉल्व करेंगे पहले लेफ्ट साइड इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया पॉइंट जीरो टू डिडेड बाई वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो वन पॉइंट थ्री थ्री आ गया अब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने से फाइव अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है अब देख लें मल्टीप्लाई का सवाल है इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है जो मेन वैल्यूज होती हैं उनको तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का सवाल है लेकिन जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं आपको पता है इन एनी केस वो जो है आपस में प्लस हुआ करती हैं अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई पॉइंट टू प्लस माइनस वन पॉइंट थ्री थ्री प्लस फाइव परसेंट अब नेक्स्ट स्टेप में इसका हम लोग आंसर ले आते हैं पॉइंट थ्री आ गया इसका आंसर प्लस माइनस एज इट इज़ रहा और वन पॉइंट थ्री थ्री प्लस फाइव कितना हो गया सिक्स पॉइंट थ्री थ्री परसेंट अब इसको दोबारा हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें एरिया जो गिवन होना चाहिए वो स्क्वायर मीटर में आना चाहिए क्योंकि लेंस जो थी दोनों मीटर्स में थी तो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में उसका तरीका क्या है सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डिवाइडेड बाई हंड्रेड एज इट इज लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री तो इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पॉइंट थ्री प्लस माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर स्क्वेयर स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर फोर कैलकुलेट द आंसर्स अप टू अप्रोप्रियट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके टोटल छः पार्ट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसको गलत सॉल्व करके दिखाते हैं खसूसा पार्ट ई e और एफ को तो आपने बहुत कॉन्सेप्ट से समझना है मुफ्त के नंबर होते हैं बोर्ड के पेपर में पहले मैं आपको कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझा देता हूँ जो मैं पिछली असाइनमेंट्स में भी समझा चुका हूँ सबसे पहले कि जितने भी जीरो के अलावा वाले नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इस नंबर में देख लें तो चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर ज़ीरो नॉन जीरो नंबर के अलावा बीच में आ जाए जैसे ये सारे के सारे तो सिग्निफिकेंट थे ही लेकिन अगर ये साइडों पर बीच में ज़ीरो आ जाए तो तब जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है ये देखें टोटल पाँच नंबर हैं तो ये पाँचों के पाँचों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अगर डेसिमल फिगर हो तो डेसिमल के फ़ौर बाद जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं तो इस फिगर में देखें सिर्फ ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में और अगर यहाँ के बाद आ जाएँ यानी कि ट्रेलिंग ज़ीरोज हों तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं इसमें ये चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ट्रेलिंग जीरोस अगर होल नंबर्स में आ जाए जैसे ये तो देखें डेसिमल नंबर था लेकिन अगर होल नंबर में आ जाए यानी कि एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉइंट जीरो होता जिस तरह अभी यहाँ पे थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी पॉइंट जीरो तो ये देखें थर्टी टू के बाद ज़ीरो आ रहा है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बचलती है कि डेसिमल वाली नंबर हो अगर डेसिमल वाला नंबर ना हो सिर्फ थ्री ट्वेंटी हो तो थर्टी टू जो है वो सिग्निफिकेंट होगा यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इस नंबर में ठीक है और साइंटिफिक नोटेशन में अगर ए मल्टीप्लाई बाई टार एक्स लिखा हो या जिस तरह ये है इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस्वर थ्री तो इस केस में फोर पॉइंट फाइव यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और टेन रेस्वार थ्री जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है इसको हम यू भी लिख सकते हैं फोर पॉइंट फाइव जीरो इंटू ट्रांसफार थ्री यानी एक ट्रेलिंग जीरो ऐड कर दिया तो ये भी सिग्नीफिकेंट है फोर पॉइंट फाइव जीरो जीरो तो यहाँ पर भी दो ट्रेलिंग जीरोज ऐड कर दिए तो ये भी सिग्नीफिकेंट फिगर हैं तो ये चार सिग्नीफिकेंट फिगर दिए तीन ये दो यानी सिग्नीफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन में आप जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे वो सब कुछ सिग्निफिकेंट हो जाएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर जब करना हो तो देखा जाता है कि लोएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किस में हैं ये एग्जांपल से समझाता हूँ इसमें आप देखें तो इसमें डेसिमल के बाद तीन हैं इसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसमें डेसिमल के बाद चार डिजिट्स हैं हमारा जो आंसर वैसे कैलकुलेटर से आ रहा है वो ये है लेकिन हम लोगों ले ने उसको राउंड ऑफ़ करना होगा जिसके उसके बराबर जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स हैं ये प्लस माइनस के लिए है तो अब हमारा आंसर वन सिक्स नाइन पॉइंट जीरो यहाँ तक सिर्फ जो है हमारा काउंट होगा ठीक है इतना हम लोगों ने उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर लेना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है उसमें यह देखा जाता है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में प्लस माइनस में क्या था कि डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर्स किस में कम डिजिट्स किस में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है. जिस तरह यह देखा जाए इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं मैंने पॉइंट नंबर सिक्स में आपको समझाया है कि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ट्रेडिंग जीरोस होल नंबर के अंदर अगर डेसिमल ना हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं लादा टू और फोर सिग्निफिकेंट हैं तो ये जो हमारा आंसर वैसे कैलकुलेटर से आया था इसको हम देखें तो हमारा आंसर अब होना चाहिए क्योंकि ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थे तो सिर्फ पहले दो ही हमारे आंसर के सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ठीक है और आंसर हम लोग लिख रहे हैं थर्टीन वन टू थ्री फोर ये चार जीरो लगा दिए ये डेसिमल वाला क्यों हटा दिया क्योंकि जो हमारा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है नंबर वो होल नंबर की शक्ल में है जिसकी बुनियाद पे हम लोगों ने राउंड ऑफ किया है ये आपने कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि अगर जो हमारा मेन नंबर है वो होल नंबर में है जिसकी बुनियाद पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे तो वो उसकी बुनियाद पे हम लोग अभी इसको होल नंबर की शक्ल दे देंगे वन थ्री इसकी वजह से आ गया कि पहले दो सिर्फ सिग्निफिकेंट होंगे और नंबर ऑफ जीरो जितने इसके मेन होल नंबर के अंदर आ रहे थे वन टू थ्री फोर तो चार जीरो से आए अभी अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पहला क्वेश्चन ट्वेंटी फोर टू फोर सिक्स प्लस टू थ्री एट पॉइंट टू सेवन एट प्लस नाइन्टी एट पॉइंट्स भी अब इसमें देखें डेसिमल के बाद सिर्फ इसमें एक डिजिट है ठीक है बाकियों के अंदर किसी में दो हैं किसी में तीन है जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 582.818 आया क्योंकि सबसे कम डेसिमल के बाद इसमें नंबर्स हैं तो हम लोग डेसिमल के बाद अपने आंसर को एक डिजिट तक ही महदूद कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 582.8 पार्ट बी अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है प्लस भी हो रहा है सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करते हैं और मल्टीप्लेसन का जो आंसर हमारा आ जाता है इन दो का वो आ जाता है थ्री अब मल्टीप्लीकेशन का रूल ये था उसके बाद हम लोगों ने आंसर को कितना राउंड ऑफ़ करना होता था कि टोटल जिसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें दो हैं तो हमारे इस आंसर को हम लोग इतना राउंड ऑफ़ करेंगे कि सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएं तो हमारा आंसर इसके मुताबिक इतना रह जाएगा लेकिन अगला नंबर क्या है नाइन है तो हम लोग राउंड ऑफ करके थ्री पॉइंट सेवन कर देंगे और ये एज इट इज आ जाएगा अब हम लोगों ने प्लस करना है प्लस करेंगे तो कैलकुलेटर की मदद से तो ये आंसर आ गया है लेकिन हम लोगों ने कितना राउंड ऑफ़ करना है इसके अंदर डेसिमल के बाद देखें इसमें एक नंबर है और इसमें डेसिमल के बाद दो नंबर हैं तो प्लस का रूल क्या था कि डेसिमल के बाद जितने नंबर कम जिसमें कम हैं उतने ही डेसिमल हम लोगों ने अपने आंसर में छोड़ने हैं यानी वन ट्वेंटी पॉइंट नाइन फाइव है तो हम लोग इसको इसकी बेसिस पे इतना राउंड ऑफ करेंगे कि बस डेसीमल के बाद एक ही डिजिट आए क्योंकि ओवर फैक्टर हमारा ये वाला है तो आंसर हो जाएगा वन पार्ट सी टू पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू ट्रांसफार फोर माइनस वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू ट्रांसफर थ्री जब भी कभी साइंटिफिक नोटेशन वाला आ जाए प्लस माइनस तो उसमें हमेशा पावर्स जो टेन की होती हैं उसको इक्वल कर दिया जाता है तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी फोर है इसको भी फोर होना चाहिए वन पॉइंट जीरो थ्री है और इसको ट्रांसफर थ्री है अगर इसको हम टेन से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ट्रांसफर फोर और इसको टेन से डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा पॉइंट वन जीरो थ्री तो इसी तरह हम लोग करते हैं पॉइंट वन जीरो थ्री इसको कर लिया और इसको टेन्सपार फोर कर लिया अब आसानी से टू पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस पॉइंट वन जीरो थ्री कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है टू पॉइंट फाइव फाइव सेवन इंटू फोर अब देखें कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं थ्री इसमें कितनी हैं थ्री तो दोनों में थ्री थ्री हैं तो हमारे आंसर में भी थ्री होनी चाहिए टू पॉइंट यहाँ तक इतना हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ़ करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा टू पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स क्यों आया क्योंकि इस फाइव से अगला नंबर सेवन था जो कि फाइव से बड़ा है तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके इंक्रीज़ कर देते हैं टू पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेंस फार फर पार्ट डी वन वन टू मल्टीप्लाई बाई पॉइंट फोर फाइव सिक्स डिवाइड बाई थ्री पॉइंट टू इंटू वन टू जीरो मल्टीपिकेशन डिवीजन का सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा डिवाइडेड बाई इसको कंप्यूटर से, आ, से कर लें या कैलकुलेटर से कर लें अब क्या तो कैल्कुलेटर ही होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 51.072 और 3.2 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 384 अब हम लोग इसको फर्दर जब इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है पॉइंट वन थ्री थ्री मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल ये होता है कि जो हमने पीछे पढ़ा है कि टोटल लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आपके पास देखें क्वेश्चन में किस में इसमें दो हैं सिर्फ दो तो हमारा आंसर भी टोटल दो डिजिट्स का होना चाहिए ठीक है पॉइंट वन थ्री इतना हमारा आंसर होगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ गए हैं ई e और एफ़ जिसमें बहुत सारे लोग वाई टी के ऊपर यूट्यूब के ऊपर गलतियां कर रहे हैं बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट नहीं समझा पा रहे वन सिक्सटी एट पॉइंट नाइन नाइन मल्टीप्लाई बाई नाइन इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ जाता है वन फ़ाइव टू जीरो पॉइंट नाइन वन अब हम लोगों ने देखना है कि इसको हम लोगों ने आंसर वन फाइव टू वन बनाया है क्यों क्योंकि आप ये देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल है कि जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको देखा जाता है इसमें तो पाँच हैं इसमें नाइन है हमारे आंसर के अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए अभी तक भी हम लोग उस कंडीशन में नहीं आए तो क्या करना होगा यहाँ पे इस एक को हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ होएगी बाकी सारों को ख़त्म कर देना है ऐसी सूरत हाल में हमारा ये जो है अगला नंबर डिसाइड करता है कि इसको इंक्रीज़ करना है या सेम रहने देना है फ़ाइव या फ़ाइव से बड़ा हो तो इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता है इसको हम लोग कर लेंगे टू और बाकी तीन को ज़ीरो अब आप ये देखें डेसीमल ये को हमने क्यों ख़त्म किया है क्योंकि हमारा जो ओवर राइडिंग नंबर था जिसको हम लोगों ने डिसाइड करना था कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो होल नंबर में है। अगर इसके साथ कोई डेसिमल होता तो फिर हम लोगों का आंसर हम डेसिमल में चलने देते अभी चूंकि इस नंबर की वजह से डिसाइड हो रहा है जो कि एक होल नंबर है कि हमारे आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसलिए हमारा आंसर भी होल नंबर में होना चाहिए इसी तरह पार्ट ई देख लें तो इसमें एक होल नंबर है और प्लस कर रहे हैं एक डेसीमल नंबर के साथ इस किस्म के क्वेश्चन को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर से तो हमारा ये आंसर आ जाता है और इस आ, प्लस माइनस का असूल ये होता है जिसमें कम डेसिमल के बाद डिजिट्स हों इसमें डेसिमल के बाद चार डिजिट्स हैं और इसमें डेसिमल है ही नहीं यानी जीरो है डेसिमल के बाद नंबर तो ये हमारा ओवर होल नंबर है तो हमारा आंसर भी होल नंबर में होना चाहिए और उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स चार होंगे ठीक है तो अब इतना ही हमारा आंसर होना चाहिए इस डिजिट का और हमारा आंसर वन जीरो थ्री टू हो जाएगा क्योंकि इसके वन के बाद अगला नंबर क्या है डेसिमल में पॉइंट फाइव तो वन को इंक्रीज कर देंगे और वन जीरो थ्री टू हमारा आंसर हो जाएगा नमेरिकल फाइव कैलकुलेट द आंसर्स अपू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स द रेशो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एम पी टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई ये है एक एटम जिसमें बीच में न्यू, न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं असल वेट सारा इसी का होता है मास सारा इसी का होता है इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं हमें जो इसने साथ में इक्वेशन दी है डेटा दिया हुआ है वो ये इस तरह के वन है मास ऑफ़ प्रोटॉन ऊपर रखा है नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है तो मास ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है उससे भी ट्रेन स्पर माइनस फोर टाइम्स कम है जब तो इसको सॉल्व करना हो इस तरह की इक्वेशन को तो पहले डिवीज़न को सॉल्व कर लेते हैं इस साइड पर और इनको अलहदा से सॉल्व करते हैं जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन डिवेड तो हमारे पास आंसर आया 0.1833 इसको सॉल्व किया तो ये माइनस थर्टी जब ऊपर जाएगा तो टेन एस व माइनस ट्वेंटी सेवन प्लस थर्टी हो जाएगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.1833 वन एट थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई टेन एस पॉ फोर हो जाएगा और साइंटिफिक के लिए इसको अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी डेसीमल uh, प्लेसेस जो है या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आने चाहिए तो हमारे पास डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के सवाल में जो लीस्ट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसमें देखें तीन है इसमें देखें पाँच हैं तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमारा आंसर होना चाहिए तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम लोग आंसर लिखेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट वन एट थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्पाई फोर और साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका होता है कि डेसिमल हमेशा इस साइड पर लिखा जाए तो जब डेसिमल को इधर लेकर आएंगे वन पॉइंट एट थ्री करेंगे तो इधर से एक टेन की पावर कम हो जाएगी वन पॉइंट एट थ्री मल्टीप्लाई बाई टेरिसवा थ्री हमारा आंसर होगा इसी का पार्ट बी है उसमें रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्यू ई टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई ये फाइंड आउट करना है इक्वेशन इन्होंने दे रखी है डेटा दे रखा है यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही है जो पिछली इक्वेशन में था अब ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स इंटू टेनसा माइनस नाइनटीन कुलम अब पहले इसको सॉल्व करेंगे वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई नाइन पॉइंट वन जीरो नाइन सिक्स इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है पॉइंट वन सेवन फाइव सिक्स और जब इसको करते हैं ट्रांसफार माइनस नाइन्टीन और माइनस थर्टी वन को ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस थर्टी वन इसको फर्दर सॉल्व करते हैं पॉइंट वन सेवन फाइव सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफार ट्वेल्व कोलम पर किलोग्राम अब हम लोगों ने क्या देखना था कि डिवीजन के सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में कम है ऊपर वाले में या नीचे वाले में नीचे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पाँच ऊपर वाले में दो तो हम लोगों ने दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपना आंसर लेकर आना है और इसको जब फर्जर सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया पॉइंट वन एट पॉइंट वन एट क्यों कर दिया क्योंकि सेवन से अगला जो डिजिट था वो फाइव था फाइव या फाइव से बड़ा हो तो इसको राउंड ऑफ करके इंक्रीज़ कर देते हैं तो पॉइंट वन एट मल्टीप्लाई बाय टेन एस ट्वेल्व अब सिग्न साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो डेसीमल को इधर लेकर आएंगे यानी इसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक टेन की एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी ठीक है तो वन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू द पावर इलेवन कूलम पर के जी नोमेरिकल सिक्स फाइंड द डायमेंशन ऑफ पार्ट ए है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच फ्रॉम द फॉर्मूला कैपिटल ई इज इक्वल टू एच एफ वेयर ई इज़ द एनर्जी एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी सोल्यूशन की तरफ आए ई इज इक्वल टू एच एफ ये हमें इक्वेशन के बने और ये इसमें को हम रीअरेंज करेंगे तो एच इज इक्वल टू ई बाई एफ हो जाएगा अब ई e क्या है आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी एनर्जी की ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर जिसमें ई होती है एनर्जी एम मैस सी होती है स्पीड ऑफ लाइट जो कि कॉन्सटेंट होती है और ये आज तक दुनिया में बहुत ही फेमस इक्वेशन है और आपको याद होनी चाहिए हम लोग एम सी स्क्वेयर लिख देते हैं ई e की जगह पे और एफ एज इट इज रहता है अब एफ को भी हम लोग चेंज करते हैं और टाइम पीरियड टी ले आते हैं क्योंकि टाइम पीरियड टी इज़ इक्वल टू वन ओवर एफ़ और यहाँ पे देखें तो डिवाइडेड बाय एफ़ का मतलब वन ओवर एफ़ ही है तो एच इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर कैपिटल टी हो गया अब हम लोगों ने डायमेंशनस की फॉर्म में जाना है ठीक है क्योंकि हम लोगों को कहा गया फाइन द डायमेंशन ऑफ प्लान कॉन्स्टेंट एच और एम क्या होता है ये मास होता है सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट और वो होती है मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में तो डायमेंशन में क्या होगी मीटर होती है मीटर की डायमेंशन होती है लेंथ और सेकेंड की डायमेंशन होती है कैपिटल टी टाइम तो सी की जगह हम लोगों ने लिख दिया है एल डिवाइड बाई टी अगर वन वन ना भी लिखते तब भी ठीक था लेकिन लिख लिया ताकि चलें ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे और जो बाहर वाला स्क्वेयर था वो ब्रैकेट से बाहर लिख दिया और कैपिटल टी एज इट इज़ कैपिटल टी टाइम और हम लोगों ने साथ में वन भी लिख दिया ताकि पता लगता रहे ठीक है कि इसकी पावर वन है ओवरऑल कैलकुलेशन में आसानी रहती है अगर ना भी लिखें तब भी ठीक है इसको अब सॉल्व करते हैं जब इसको टू को अंदर लेकर आएँ तो पहले अंदर लाने से पहले इसको हम लोग पहले सीधा रीअरेंज कर लेते हैं टी को ऊपर लेकर आते हैं एल रेस्टुआ वन और टी जब नीचे था ऑब्लिक के या डिवाइड के तो टी री पर पावर वन था जब ऊपर लेके आए तो टी री पर पावर माइनस वन था अब इस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल की पावर टू हो जाएगी और टी की पावर माइनस टू हो जाएगी ठीक हो गया अब इसको फर्दर ओपन करते हैं एल की पावर टू एज इट इज़ रही जबकि यहाँ देखें टी की पावर माइनस टू है और यहाँ बाहर टी की पावर एक वन भी है तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन हो जाएगा इसको सॉल्व किया तो एम की पावर वन एल की पावर टू टी की पावर माइनस वन तो ये हमारी डायमेंशंस हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच की पार्ट बी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशन फाइंड करनी है फ्रॉम द फॉर्मूला कैपिटल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डि वेयर एफ इज द फोर्स एम वन एंड एम टू आर द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कि ये दो फोर्सेस लग रही हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके मास हैं एम वन एम टू और इनके बीच में डिस्टेंस है आर तो जो हम लोगों को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी गिवन है इसकी जो है ना हम लोगों ने डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने वही इक्वेशन लिख लेनी होती है जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू ये कैसे आया है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर होते हैं हम लोगों उन्होंने जी फाइंड करना है तो जी इज इक्वल टू एफ़ आर स्को इधर आ गया एफ इंटू आर स्केल और एम वन एम टू नीचे चला गया डिवाइड बाई एम वन एम टू तो सबसे पहले आपने जी लिखना है जिसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पर कर दिए और अब इन बाकी सारों के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूले के अंदर इक्वेशने डालनी है जो अगर उनके कोई वैल्यूज़ पता है एफ़ क्या होती है फोर्स फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलेशन ठीक है इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यूज डालनी है ताकि हम लोग डायमेंशंस तक पहुँच सकें अब काम आसान हो गया है अब हम लोग आते हैं डायमेंशंस की तरफ एम 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 क्या है मास मास की पावर वन ए क्या है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर किसकी डायमेंशन है लेंथ की और सेकंड है टाइम की तो एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आर रेडियस होता है रेडियस डिस्टेंस और डिस्टेंस लेंथ तो ये आर की जगह एल लिख दिया कैपिटल एल लेंथ और टू एज इज रायर नीचे क्या हैं दो मासेज हैं मासेज एम एम की डायमेंशन होती है ठीक है एम एम डायमेंशन होती है उनकी अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो मास ऊपर वन था और नीचे कितने मास थे वन और वन टू तो वन माइनस टू कर देंगे लेंथ ऊपर वन थी और टी टू और एल टू इनको अभी सॉल्व नहीं किया अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो ये तो हो गया था एम एल स्क्वायर माइनस वन अब ये एल क्या था वन और ये क्या है एल टू तो एल हो गया वन प्लस टू और नीचे डिवाइडेड बाई टी टू था जब इसको ऊपर लेकर आएंगे ठीक है डिवाइड से ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा टी रे स्क्र माइनस टू इसको फर्दर सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू नोमरिकल सेवन शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर एंड पार्ट बी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच आर डायमेंशनली करेक्ट इसमें सबसे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर शो करना होता है तो लेफ्ट साइड पे क्या है एनर्जी तो सोलूशन में सबसे पहले हम एनर्जी की मालूम करते हैं कि क्या डायमेंशन है एनर्जी की डायमेंशन वैसे तो आपको याद होनी चाहिए एम ए स्क्वायर वन एल एस एसवायर टू टी एसक्वायर माइनस टू अगर याद नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं लिख दें लेफ्ट हैंड साइड और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट करना है ईद इक्वल टू एम सी स्क्वेयर ये आइंस्टाइन इक्वेशन है जो आप क्वेश्चन सिक्स पार्ट ए में कर भी चुके हैं एम की डायमेंशन क्या होती है उससे पहले इसको यूनिट्स में कैलकुलेट करें इन यूनिट्स मास इज इन के जी एंड स्पीड या वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड और स्क्वायर एज इट इज होल पे आ जाएगा अब अगर डायमेंशंस के अंदर देखें तो डायमेंशंस में के क्या होती है मास उसकी डायमेंशन है और एक ही है तो मास रिज बार वन और मीटर क्या होती है लेंथ की डायमेंशन सेकंड क्या होती है टाइम की डायमेंशन तो ब्रैकेट में एल डिवाइड बाई टी करके ऊपर स्क्वायर कर दिया नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस टी को ऊपर ले आएंगे नीचे जब है तो टी की पावर वन है एल की पावर वन है ना लिखा हो तो इसका मतलब है पावर वन है तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी रेस पावर माइनस वन हो जाएगा फिर इस टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम की पावर तो वन ही रही एल की पावर क्या हो जाएगी टू से मल्टीप्लाई को टू और टी की पावर हो जाएगी माइनस टू तो ये हमारी डायमेंशन हैं किसकी एनर्जीज़ की जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी अब राइट हैंड साइड पर आते हैं पार्ट ए के अंदर के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र हाफ एम वी स्क्र अब डायमेंशन के अंदर देखना है तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम क्या होता है मास और मास की पावर क्या रखी है यहाँ पे वन वी क्या है वेलोसिटी वेलोसिटी की यूनिट्स होती है मीटर पर सेकंड और डायमेंशन में देखा जाए तो मीटर क्या होती है लेंथ सेकंड क्या होती है टाइम तो वो एल डिवाइडेड बाय टी हम लोग लिख देंगे वी की जगह और ऊपर स्क्वायर रख देंगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको एम की पावर तो वन एज इट इज़ रही टी के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो वन है और जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी रेस पर माइनस वन बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में इस बाहर वाले टू को हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई करना है तो एल की पावर टू हो जाएगी और टी की पावर माइनस टू हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे एम की पावर वन एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू अब इन तीनों को कंबाइन कर देंगे एम की पावर वन एल की पावर टू टी की पावर माइनस टू तो डायमेंशनली ये करेक्ट है क्योंकि लेफ्ट साइड के बिल्कुल इक्वल है ये जो कांस्टेंट है इसका फ़र्क नहीं पड़ता इसका सेकंड पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच लेफ्ट साइड एनर्जी ही है तो इसकी यही डायमेंशन है राइट right साइड की डायमेंशन हमने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग इसकी डायमेंशन लिखते हैं एम क्या होता है मास एज इट इज़ एम की पावर वन जी क्या होती है एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है तो ये एक्सेलेशन है एक्सेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर मीटर किसकी डायमेंशन है लेंथ की सेकंड किस की है टी की तो एम पर सेकंड स्क्वायर की जगह एल पर टी स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है इस टी को ऊपर लेकर जाना है नीचे टी की पावर टू है जब ऊपर जाएगा तो टी इस स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा और जहाँ जहाँ डायमेंशन नहीं लिखी हुई वहाँ पर डायमेंशन वन लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर एल देखें एक दफ़ा एल यहाँ पर आया हुआ एक दफ़ा एल यहाँ पर आया है तो इनकी पावर्स को एड ऑन कर लेंगे एल रे स्क्वायर वन प्लस एल रे स्क्वायर वन एल वन प्लस वन हो गया नेक्स्ट इनको एक दफ़ा सीधा करके लिख देंगे एम रेस्वार वन एल रेस्वार टू टी रेस्वा माइनस टू और फाइनली आंसर की शक्ल में लिख देंगे ताकि ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनस को शो कर सकें और ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि ये वैल्यू एम वन एल टू टी माइनस टू एम वन एल टू टी माइनस टू के बिल्कुल इक्वल है अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अपलोड करेंगे